अम्मी को खो चुका हूं मैं। पर मेरे अपनों को नहीं खो सकता। मैं ये तलिस्मान तुम्हें तभी दूंगा जब परवाज में अपने लोगों को महफूज देख लूंगा। मर्जीना, 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 क्या हुआ तुम्हें? मर्जीना, आंखें खोलिए मर्जीना, मर्जीना। रोटी के नाम पे हम चोरों के साथ फरेब करने की कोशिश की है तुम लोगों ने। अब तुम्हारी इस नकली लड़ाई के बाद ले मिलेगी तुम्हें असली मोहर। तो देर किस बात की? चलो परवाज, तुम्हें तुम्हारे अपने मिल जाएंगे और मुझे मेरा तलिस्मान। कहाँ गई साहिबा? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अगर तालिस्मान की ताकत से वो जख्मी भी हुई है तो उनका जिस्म तो यही होना चाहिए था। वो तालिस्मान की ताकत नहीं थी, बल्कि साहिबा पर हमला किसी बुरी ताकत ने किया था। अपनों से फरेब करने वाले से बुरा और कौन हो सकता है गुरुजी? वो लड़का और उसकी वो दोस्त ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें रोकना होगा। चलो। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये आप बोल रहे हैं गुरुजी, जिन्होंने हमें सिखाया कि अच्छाई की ताकत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है? ऐसा क्या खास है उस अली में? अली साहिबा का बेटा है। साहिबा का बेटा? पर आपने तो बोला। मैंने झूठ कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि साहिबा फिर से परवाज वापस चली जाए। शांग्रीला को साहिबा की जरूरत थी। पर आज सोच रहा हूँ कि अगर सालों पहले मैंने वो झूठ नहीं बोला होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अब अगर तालिस्मान किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इब्लिस के हाथों दुनिया की तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। छोड़ दो उन्हें, वरना हमारे अली बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मर्जीना, मर्जीना, मर्जीना आंखें खोलो। भाभी, अली से क्या हुआ मर्जीना को? फिक्र मत करो, मारी नहीं है वो। ये हम लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी, इसलिए सिर्फ बेहोश किया है इसको, समझा? हबीज, दरीबा, अली, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी। अपना वादा निभाओ इंसान। तलिस्मान जिंदगी में ऐसे बहुत मुश्किल मुकाम आएंगे जहां तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, एक वो जो आसान है और दूसरा वो जो सही है। फैसला तुम्हें करना होगा। इस तालिस्मान ने धरती पर बहुत तबाही मचाई थी, पर अब और नहीं। इसके साथ साथ इब्लिस और सिमसिम के ख्वाब भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। अगर सिमसिम को तलिस्मान मिल गया तो इब्लिस जिंदा हो जाएगा और वो दुनिया जहां से पूरी इंसानियत खत्म कर देगा। सोचना भी मत। मेरा एक इशारा और यहाँ सब खत्म। जब तक तुम तलिस्मान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तब तक तुम अपनों को खो चुके होगे। रुको, रुको इन्हें। तलिस्मान, इस दुनिया में आने से अब कोई नहीं रोक सकता मेरे नूरे निगाह। कोई नहीं रोक सकता। मेरे नूरे निगाह जो आपकी जिंदगी को रोशन करेगा, जो आपकी ताकत को जिंदा करेगा, जो हमारे हर ख्वाब को पूरा करेगा, वो मिल गया है मुझे। हमारा तलिस्मान मुझे मिल गया है मेरे नूरे निगाह। अब कल से इंसानों का गमे माँ होगा और कल ही हम शैतानों के लिए जश्न मनाने का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि कल आपकी सिमसिम आपको दोबारा जिंदा करेगी मेरी नूरे निगाह। और फिर इस दुनिया में खुदा की नहीं आपकी इबादत होगी। अब बहुत जल्द खुदा के बनाए इस कायनात पर हम शैतानों का राज होगा। हमारे आका इब्लिस को जिंदा करने की तैयारी करो। और तब तक मैं मेरी सबसे प्यारी दुश्मन से एक छोटी सी मुलाकात करके आती हूँ। अपनी अम्मी की तो ठीक से यादें भी नहीं है मेरे पास। पर साहिबा अम्मी, फिर तो मुझे बेटे जैसी मोहब्बत थी। मैंने अपने हाथों से उनकी की चाल ले ली। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं अपने आप को, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अली, अब यहाँ, अब ठीक तो है ना? हाँ। और वो औरत जो आप पे हमला कर रही थी, वो कहाँ है? बोलिए ना अली। मर्जीना, ये तुम्हें कैसे मालूम? जादुई सिक्के के जरिए हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे जब हमने उन्हें देखा। पर अली, वो ठीक तो है ना? कहाँ है? मैंने उनकी जान ले ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं अली? आपको अंदाजा भी नहीं है कितना बड़ा गुनाह किया आपने। मालूम है मुझे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे, और इस गुनाह के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी साहिबा अम्मी मुझे अपना बेटा मानती थी, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह थी। आपकी अम्मी जैसी नहीं, आपकी अम्मी थी वो अली। आपने अपनी अम्मी की जान ले ली अली। अपनी अम्मी रोशनी की। कौन है वहां? मुझे यहां कैद किसने किया है? सामने आओ। रोशनी को अंधेरे के कैद में धड़कता हुआ देखने से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तौबा तौबा रोशनी, तुम अपने दोस्तों को भूल सकती हो, पर मैं कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलती। तुम खुद को अली का दोस्त कहती हो, लेकिन अली तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन आखिरी पलों में मैंने उसकी आंखों में देखा था। तालिस्मान पाने की खुशी नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी। बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि मैंने ही तो मजबूर किया था तुम्हारे बेटे को तलिस्मान हासिल करने के लिए। लाओगे मेरे लिए तलिस्मान या फिर जान गवाओगे आप लोग की? लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए तलिस्मान। पर बेचारा अली, तौबा तौबा, वो तो जिंदा होकर भी मरे हुए से बदतर है, क्योंकि उसे तो यही लगता है ना कि उसने अपने हाथों से अपनी प्यारी अम्मी जान का कत्ल किया है, जबकि हकीकत तो ये है कि मुझे कैसे भी करके इन माँ बेटे को अलग करना ही होगा। शैतानी दिमाग, कौन हो तुम? तुम्हारी, अली की और खुदा के इस पूरे जहां की दुश्मन। क्या कह रही हो तुम मर्जीना? मेरे बचपन में ही मेरी अम्मी इब्लिस के साथ हुई लड़ाई में कुर्बान हो चुकी है, और सांगरेला में जो थी वो साहिबा थी। मेरी अम्मी का नाम रोशनी है, रोशनी। साहिबा ही रोशनी थी अली। संभालिए खुद को। भिक्षु की मदद से हम उनके अतीत में गए थे। मैं शांग्रीला की साहिबा हूँ, और सोम कबीले की साहिबा होने की वजह से मेरे पास एक नूर का पाक निशान है, जो मैं सिर्फ किसी एक इंसान को दे सकती हूँ। मेरा वो निशान मेरे बेटे को मिले। शांग्रीला और सोम कबीले के लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि दुनिया को कभी ये मालूम ना चले कि साहिबा जिंदा है। इसी वजह से जब साहिबा मेरे पास होती थी तो मुझे बार बार तेरी अम्मी के होने का एहसास होता था, और अपनी अम्मी को दोबारा पाकर उनके इतने करीब जाकर मेरे उन्हें फिर से खो दिया। जब मैं बाद जमीन में गिरा था, अम्मी मुझ पर हमला करते करते रुक गई थी। शायद उन्होंने मेरी पीठ पर नूर का निशान देख लिया था, और मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनकी जान ले ली। मर्जी में आपकी गलती नहीं है, ये सब सिमसिम का किया था। उसने ये सब किया है। इसका मतलब है कि सिमसिम ये सच्चाई जानती थी, हर तलिस्मान को हासिल करने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। सिमसिम! पहले सिमसिम ने मेरे पापा की जान ली, फिर काफी भाईजान को मारा, और उसने फिर ताली तक को नहीं छोड़ा। अपने शैतानी खेल को अंजाम देने के लिए उसने मेरी अम्मी की भी जान ले ली। नहीं छोड़ूंगा मैं। जो जंग मेरे अम्मी और अब्बू ने शुरू की थी, उस जंग को अंजाम अब मैं दूंगा। सिमसिम का नाम और निशान मिटा कर रख दूंगा मैं। पर बाबा, आपने टेलिस्मान तो सिमसिम को ही दे दिया, अब कैसे खत्म करेंगे आप सिमसिम और उसके 40 चोरों को? क्योंकि असली तलिस्मान मेरे पास है।